अस्सलामु अलैकुम। दावत दीन ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, ये उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ मनसबी है। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब जब कोई नबी नहीं आएगा तो अंबियाई काम वो इसी को कहा गया है। चुनांचे हमारे उम्मत में, मिल्लत में, हमारे नौजवानों में बेदारी पैदा करने के लिए हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि दावत दीन के उनवान से लोगों को जमा करें, और जो दाई हजरात शहर में काम कर रहे हैं उनको भी इस मौके से इत्तेहाद के साथ सब लोग मिलजुल करके इस दावत के काम को अंजाम दें। इसी मुनासिबत से शहर जमात इस्लामी की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया है कि मौलाना मोहतरम कलीम सिद्दीकी साहब खुलत ये हमारी दावत पर औरंगाबाद तशरीफ़ ला रहे हैं, और इसी तरह से मौलाना मोहतरम रिजवानुर रहमान खान साहब अमीर हलका जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र ये भी हमारे दावत पर यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। और इंशाअल्लाह लजीज़ आने वाले 27 तारीख को इस मुनासिबत से मुख्तलिफ प्रोग्राम रखे गए हैं। इसमें ख़वातीन से भी मौलाना का खिताब होगा, नौजवानों से भी खिताब होगा, उलमाए कराम से बातचीत होगी, जो दाइयान काम कर रहे हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन होगा, और जो हमारे बरादरान वतन हैं भाई और बहनें उनके साथ भी मौलाना से और हमारे ज़िम्मेदारान से गुफ्तगू उनकी रहेगी। और इसी हवाले से एक बड़ा प्रोग्राम खिताब आम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले 27 तारीख को बाद नमाज मगरिब सईद हॉल जामा मस्जिद में करने का तय पाया है। अभी परमिशन अवेटेड है, लेकिन 27 तारीख का खिताब आम होगा ये तय है। जगह अगर हो सकता है कि थोड़ा सा उसके तायुन में अभी आगे पीछे हो, हम आपको फिर उस सिलसिले में मजीद चीज़ें बाद में बता देंगे। कौन कौन सी जमातें आपके साथ में और जुड़कर काम कर रहे हैं, या सिर्फ जमात इस्लामी ही हैं इसमें? ये जो प्रोग्राम है इसमें इस बात की कोशिश की गई है कि तमाम ही जमातों को जोड़ा जाए। तो हमारे अहले सुन्नतुल जमात के हज़रात, हमारे तबलीगी जमात के हज़रात, हमारे उलमाए कराम, हमारे आइम्माए कराम, शहर के मुख्तलिफ दानिश्वरान, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मुख्तलिफ तंजीमों के लोग, अहले सुन्नतुल जमात के लोग, रज़ा एकेडमी के हज़रात, ये तमाम लोग मिल करके हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब मिल करके इस प्रोग्राम को अंजाम दें। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम इंजीनियर वाजिद खादरी, नाजिम शहर, औरंगाबाद। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश बेदी, और मेरी तरफ से औरंगाबाद अपडेट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नए साल की शुभकामनाएं, और अच्छे अच्छे काम करते रहने उसके मेरी बेस्ट विशेस।